दोस्तों यदि हम बात करें अंग्रेजों की हुकूमत की, तो उनके द्वारा बनवाए गई कुछ इमारतें और उनके द्वारा करवाए गए कुछ निर्माण को हम कभी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ अनोखे निर्माण को देखने के लिए आज हम लोग आ गए हैं पीपे वाले पुल पर। तो दोस्तों यह पीपा वाला पुल स्थित है लखनऊ में घंटाघर के पास में गई हुई एक रोड से कुछ दूरी पर, जिसको गौघाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह पीपे वाला पुल बताया जाता है अंग्रेजों के काल का बताया जाता है। इस पीपे वाले पुल से बहुत ही ज़्यादा आवागमन होता था और इस पीपे वाले पुल के द्वारा 1,00,000 लोगों के आने जाने का रास्ता निश्चित था। दोस्तों इस पीपे वाले पुल से काफ़ी ज़्यादा लोगों को सहायता होती थी उनके आवागमन के लिए, जिसका काल आज से नहीं अंग्रेजों के काल से होता आ रहा है। दोस्तों आज इस स्थान को लोग, यहाँ के स्थानीय लोग, जो कि एक नेचुरल माहौल और एक शांत वातावरण के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस पीपे वाले पुल को अब प्रेजेंट टाइम में इसको साइड कर दिया गया है, जिसकी जगह पर एक नए निर्माण की तैयारी की जा रही है। दोस्तों अब इस निर्माण में इस जगह पर यहाँ पर एक पक्का पुल बनाने की तैयारी की जा रही है। तो यही है वो पीपा वाला पुल, जो कि बिना किसी सीमेंट, बिना किसी ईंटे और पत्थर के बना हुआ है। तो इसी के द्वारा सारा आवागमन होता था, और इसी पीपे वाले पुल के बारे में बताया जाता है कि यह अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था। इसका प्रस्ताव अभी वर्तमान में राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको हटवा कर यहाँ पर एक पक्के पुल का निर्माण करवाया जाएगा, जो कि यहाँ के लोगों के आवागमन के लिए सुविधाजनक होगा। तो इस पीपे वाले पुल का आज तक के दिया हुआ योगदान हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं, और ऐसे निर्माण को हम लोग आभारी रहेंगे जिसने आज तक के यहाँ के लोगों का इतना साथ दिया और इतना मदद किया। दोस्तों अभी इस पीपे वाले पुल का प्रयोग यहाँ के स्थानीय मछुआरे लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए कर रहे हैं, जो कि जब से इसको हटाया गया है तब से लोग इसका इसी रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को इंतज़ार है वर्तमान में पीपे वाले पुल को हटवा कर जल्द से जल्द पक्के पुल के निर्माण का। दोस्तों आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि इन पीपे वाले पुलों में बहुत ही बड़े बड़े ड्रम्स का यूज़ किया गया है, जो कि बाहर से लोहे के और अंदर से पूरी तरीके से खोखले हैं, जो कि पानी के ऊपर इतने सालों से तैर रहे हैं बिना किसी समस्या के, और आज तक भी यह कारगर हैं। दोस्तों यहाँ के स्थानीय लोग आज भी यहाँ पर आते हैं अपना समय व्यतीत करने के लिए, यहाँ पर कुछ चंद पल बैठने के लिए और अपना समय काटने के लिए। दोस्तों यह बहुत ही सुकून और शांति प्रिय जगह है, यहाँ पर आकर लोग कुछ देर अपना समय काट सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी हरियाली और काफ़ी नेचुरल माहौल भी है। यह यहाँ पर अभी जल्द ही हाल ही में बनवाया गया एक पार्क है, जिसमें काफ़ी सारे झूलों की स्थापना की गई है, और यहाँ पर आकर बच्चे अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, एवं सुबह शाम टहलने वाले लोग भी यहाँ पर आकर टहल सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। दोस्तों यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की और अन्य नॉर्मल सुविधाएँ भी हैं, जैसे घूमना, टहलना, बैठना आदि यहाँ पर आप कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। ये आप देख सकते हैं काफ़ी नेचुरल माहौल और काफ़ी सुकून और शांत प्रिय माहौल यहाँ पर रहता है। आप जब भी आएंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुकून की अनुभूति होगी। आप कोशिश करके सुबह या शाम में आएँ, कि सुबह और शाम में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति रहती है और धूप भी नहीं रहती है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं आपसे किसी लखनऊ के अन्य कोने में, किसी अन्य दृश्य को लेकर आपको उससे रूबरू कराते हुए, आपको अन्य जानकारियां देते हुए। तो
दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।